तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। आप जब गाड़ी चलाते हो, हाईवे पर हम जब गाड़ी चलाते हैं और सामने से जो है हमारी बहुत सारी अगर बकरी आ जाती है, गोट हम जिसको बोलते हैं, अगर वो सारी बकरियाँ जाती है और अगर आप एक हॉर्न बजाते हो गाड़ी का, तो वो सारी बकरियाँ क्या हो जाती है, एकदम इधर उधर होने लग जाती है, दौड़ने लग जाती है। इसी जगह अगर आपकी गाड़ी के सामने जो है जंगल का राजा अगर शेर आ जाए, तो क्या आप हॉर्न बजाने की हिम्मत रखोगे? और अगर आपने बजा दिया हॉर्न, तो क्या वो आपको हॉर्न को सुनकर इधर उधर घबराएगा? क्या वो भागेगा? ये जो है ये एक मेन डिफरेंस पता है किस वजह से आता है, क्योंकि शेर का जो लक्ष्य है ना वो फिक्स रहता है। उसको पता है कि उसको अपने जीवन में क्या करना है, उसको क्या लक्ष्य है, वो उसका बिल्कुल डिफाइंड है। लेकिन जो गोट रहती है, बकरियों का जो लक्ष्य है ना वो बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। तो जिसका लक्ष्य जो है वो डिफाइंड नहीं रहता है, जो अपना प्लान जो है वो नहीं बना कर रखता है, उसको आसानी से भटकाया जा सकता है और वो भटक जाता है। ठीक है, उसको कोई भी इधर उधर कर सकता है। लेकिन जिसका प्रॉपर एक प्लान है, ऑलरेडी बना हुआ है, जिसका जो एक शेड्यूल है माइंड में उसे कि मुझे ये चीज़ करनी है, एक टारगेट है उसका फिक्स्ड, आप कुछ भी कर लो लेकिन उस इंसान को आप इधर से उधर नहीं कर सकते, वो अपना टारगेट अचीव करके ही रहेगा। तो इसी एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप क्या बनना चाहते हो। आप एक लायन बनना चाहते हो या फिर आप एक गॉड की भांति जो है वो रहना, अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना चाहते हो? तो हमको जो है ना शेर के भांति अपना जीवन जो है वो रखना है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स जो आज वीडियो में बताने वाली हूँ, बहुत ही बेसिक टिप्स है। हम हाई लेवल टिप्स की बात नहीं करेंगे, ऐसे टिप्स बिल्कुल बेसिक से होते हुए आपको अगर आप फॉलो कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टिप्स है। आप सभी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में प्लान बनाया होगा और अभी भी आप बना रहे होंगे प्लान। ठीक है ना, हम प्लान में एक गलती, सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो ये रहती है कि हम प्लान या तो 7 डेज का बनाते हैं, कोई कोई लोग मंथ का प्लान बनाते हैं, कोई कोई लोग पूरे ईयर का प्लान डिफाइंड रखते हैं। सबसे बड़ी गलती आपकी है, प्लान्स जो है ना वो डेली प्लान्स होने चाहिए। आपको नहीं पता कि कल आपके दिन जो है वो कैसा रहने वाला है, यहाँ तक कि आपको तो ये भी नहीं पता है कि आज का दिन आप पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, सर्कमस्टेंसेस कैसे रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता है। उस सिचुएशन में अगर आप 7 डेज का प्लान या फिर मंथ भर का जो प्लान है वो पहले से बना के रख लोगे, तो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से वो प्लान जो है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। कितनी बार आप उस प्लान को रिवाइज़ करोगे और कितनी बार उससे डीमोटिवेट होगे कि यार प्लान जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इससे अच्छा रहता है कि डेली का प्लान बनाओ। लेकिन प्लान बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, टारगेट एक माइंड में फिक्स्ड होना चाहिए। अब उस प्लान को बनाना कैसा है आखिर, इतना जो आप लाइफ में जैसा फॉलो कर रहे हो ना, प्लान आपका उसी हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अभी तक लाइक पूरे साल भर से हम 8 बजे अगर उठ के पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं तो हमने प्लान में लिख दिया कि हम 4 बजे से उठेंगे, यार पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप बोलोगे कि डीमोटिवेशन होता है, तो ऑफकोर्स होगा ना। एक ऐसा प्लान बनाओ जो कि आप डेली फॉलो कर सकते हो, वो आपके लिए वायबल है। प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रिक्ट प्लान बनाओगे ना तो वो आप लोगों के लिए वर्क नहीं करेगा। उसके बाद एक टू डू लिस्ट बनाया करो। टू डू लिस्ट में क्या होता है कि एक बॉक्स आप बनाओ साइड में, ठीक है, उसके पास में आप लिखो कि आज मुझे ये करना है, फिर 2-3 चीज़ें ऐसे पूरे दिन के लिए आप लिख के रख लो। जैसे जैसे वो चीज़ें होती जाए वैसे वैसे आप टिक करते जाओ। आप कहने के लिए बहुत बच्चेपना लग रहे होंगे कि यार वैसा कौन करता है मतलब, पर इससे क्या होगा, मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ेगा। मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपनी खुद की एक डायरी बना रखी, उसमें मैंने ऐसे लिख रखा है कि आज का दिन जो है मेरे को इतने लेक्चर्स देखने, अगर मेरा हो जाता है तो मैं उन लेक्चर्स को टिक करती हूँ। वो टिक करने का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो ही अलग लेवल का होता है। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो करके देखो। वो टिक जब आप नहीं करोगे ना अपनी डायरी में रेगुलर बेसिस पर, जब ये चीज़ होगी तो आपका एक रिकॉर्ड ट्रैक होगा सबसे पहले तो, और दूसरी चीज़ फिर आपको लगेगा कि यार ये मैंने टिक नहीं करा, तो आप उस चीज़ को करने की कोशिश करोगे। आपके माइंड में जो है एक टारगेट फिक्स्ड होना चाहिए, लेकिन सबसे मेन बात कि वो सिर्फ एक दिन का टारगेट होना चाहिए। सेकंड जो है, बहुत सारे लोग टारगेट जो है वो मन में सोच लेते हैं कि यार ठीक है, मतलब हमने ये सोच लिया कि आज ये दिन करना है, सोचा हुआ है ना भुला जाता है, सोचा हुआ याद नहीं रहता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक टू डू लिस्ट बनाओ, तो प्लान्स जो है वो हमेशा रिटर्न होने चाहिए। थर्ड चीज़ हम ये फोकस करते हैं कि आप जो है ना इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हो कि हमको लाइक दिन में 12-14 घंटे पढ़ने हैं, तो हम 4-5 घंटे की कंटिन्यूस सेट लेंगे, उसके चक्कर में आप 5 घंटे जो है कंटिन्यूस बैठते हो। मैं डेफिनेटली आपको बोल रही हूँ कि 3 से 4 घंटे उसमें आपका मन ही नहीं लगता है, सिर्फ 1 या 2 घंटे ऐसे होते होंगे जब आप बहुत एफिशिएंसी से पढ़ रहे हो। इससे अच्छा ये रहता है कि हर 2 घंटे के बाद मेरे हिसाब से मिनिमम एक ब्रेक जो है वो मतलब रिक्वायर्ड होता है। 2 घंटे से ज़्यादा कोई भी मन लगा के नहीं पढ़ सकता है,
ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो इससे अच्छा कि आप टाइम पास कर रहे हो, आपके वो पढ़ाई के घंटे गिनने में भी आ रहे हैं कि आप 6 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, इससे अच्छा तो ये होगा ना कि यार मतलब हम 2 घंटा अच्छे से पढ़ ले फिर ब्रेक ले ले। अब ब्रेक जो है वो इतना लंबा भी नहीं कि 2 घंटे पढ़ रहे हो 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, नहीं यार फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। 2 घंटे पढ़ो और 15 से 20 मिनट का ब्रेक लो, तो इतना जो है ये बहुत ही अच्छे से आपके लिए वर्क करेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप ब्रेक कैसे लें आखिर, मतलब ब्रेक्स जो लेते हैं हम वो गलत तरीके से ब्रेक्स लेते हैं, या तो हम फ़ोन चलाने बैठ जाते हैं या फिर हम ऐसे कोई एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं जिससे कि हम उसमें ही इन्वॉल्व रहते हैं, हमारा ध्यान एकदम हट नहीं पाता। अगर आप फ़ोन चलाओगे तो आपका टाइम कहाँ चल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, तो ये ब्रेक लेने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है। ब्रेक लेने का सबसे प्रॉपर तरीका होता है कि फ़ोन से दूर रहना। अगर आपको अपने जीवन में पढ़ाई करनी है ना तो फ़ोन से आपको दूर रहना पड़ेगा। फ़ोन को सिर्फ तब हाथ में लो जब आपको पढ़ाई का काम है। अब मुझे पता है कि मेरी वीडियोज़ भी आप फ़ोन के थ्रू ही देखते हो, उसके बाद भी आपको ये वाली वीडियोज़ जो है या फिर स्टडी का मोटिवेशन आपको चाहिए या फिर पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो तो आप देख लो चलो, पर मोटिवेशन रिलेटेड और ये सारी वीडियोस का भी टाइम होता है यार। मतलब तुम रात को देखो, कभी भी तुम पढ़ाई कर रहे हो और एकदम से तुम मोटिवेशनल वीडियो देखने लग गए बीच में, तो एक वीडियो तो हम देख के हमारा मन लाइक पूरा भरता नहीं है, तो हम 2-3 वीडियोस फिर सलंग स्क्रॉल करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंजप्शन हो जाता है टाइम का। तो इतना ज़्यादा टाइम हम कंज्यूम ना करें। और उसमें क्या होता है, एक सबसे मेन चीज़, अगर हम फ़ोन चलाते हैं ना तो हमारी आँखों पर वो फ़ोन की रेस की वजह से हमारी आँखें और जलने लग जाती है, तो पढ़ाई में और मन कम लगता है, ठीक है, और दूसरी बातें भी दिमाग में घूमने लग जाती है। ब्रेक लेने का सबसे सही तरीका होता है कि आप बाहर जाओ, एक ओपन प्लेस में जाओ, लाइक आपकी बालकनी हो सकती है वो, या फिर आपका जो पोर्च का एरिया रहता है वो हो सकता है, टेरेस का एरिया हो सकता है, कोई सा भी एरिया हो सकता है, वहाँ पर जाओ ओपन प्लेस में एक अच्छे से, मतलब या तो अगर आपके आसपास कोई गार्डन वगैरह है तो 10-15 मिनट वहाँ पर टहल के आ जाओ, वो हो सकता है, या फिर अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है, उसमें मतलब नेगेटिविटी की वो कोई बात नहीं करता है, ऐसे ही चिल आउट, लाइक पढ़ाई की नहीं दूसरी आप थोड़ी बहुत बातें कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं सिर्फ एक फ्रेंड से, बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐसे ग्रुप से, क्योंकि फिर जितने लोगों से आप जुड़ोगे ना उतना ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो ये जो है ना ब्रेक्स लेने के सबसे सही तरीके होते हैं। उसके बाद एक लास्ट टिप जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लास्ट मोमेंट पर अपनी हैबिट्स जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग। मतलब हो सकता है कि अभी आप लोग लेट उठ रहे हो तो मेरे बोलने पर, क्योंकि मैं भी अधिकतर बोलती हूँ, किसी और के बोलने पर भी अगर आप जल्दी उठना ट्राई करना चाहते हो तो एक नॉमिनल टाइम, लाइक अगर आप 8 बजे तक उठ रहे हो 7-8 बजे तक, तो वो एक नॉमिनल टाइम है, ठीक है। अगर आप लाइक दिन में 10-12 बजे उठने वाले बच्चे और अगर आप ट्राई कर लो कि मैं 4 से 5 बजे तक उठ जाऊँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। मतलब ये एक दिन में नहीं कि आज मैं 10 बजे उठा और कल मैं 4 बजे उठूंगा, तो वो सिर्फ आप कल ही उठ पाओगे, ठीक है, वो फिर कंटिन्यूस बेसिस पर आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। दिन लाइक हर दिन आपको आता है एक एक घंटा जो है वो रिड्यूस करके उस टाइम को 4 बजे तक लाना रहता है। तो मेरे हिसाब से अब ये जो टाइम है ये ऐसा टाइम नहीं कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज करो, जो हैबिट्स है सही गलत, एग्ज़ाम में भी सिर्फ 1 महीना बाकी है उसको ही चलाओ, और बहुत ज़्यादा अर्जेंट जो अगर होगा कि यार ये तो हमको चेंज करनी ही पड़ेगी हैबिट, उसको आप भले ही चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसी कोई नेसेसरी एक्टिविटी नहीं है चेंज करने लायक तो उसको ऐसे ही चलने दो, क्योंकि तुम अपने अगर एकदम माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे ना तो फिर एक तरह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो तुम, या तो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर लो या फिर दूसरी चीज़ें कर लो, ठीक है। तो अभी सबसे प्रायोरिटी पे तो हमारे लिए पढ़ाई ही है, तो हमको पढ़ाई पर ही सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अभी मेरे हिसाब से। तो ये 5 टिप्स मैंने आपको बताई, ये 5 टिप्स आप अपनी लाइफ में फॉलो करो और डेफिनेटली इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। काफ़ी बेसिक लेवल से हमने टिप्स स्टार्ट करी है और कोई बहुत हाई लेवल टिप्स नहीं है, छोटी छोटी है, इसको फॉलो करो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। उसके बाद बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं अभी वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ इतने दिनों से, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि अभी मेरी लाइक 28 मार्च से जो है बीकॉम की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है, साथ में मुझे अपनी आर्टिकलशिप भी कंटिन्यू करनी पड़ रही है और मेरे जो लेक्चर्स है सीए फाइनल के वो भी चल रहे हैं, उसकी वजह से यूट्यूब के जो लाइक मेरी वीडियोस है वो थोड़ी पोस्टपोन हो रही थी। बट मैं ट्राई करूँगी कि ये वीडियोस भी मैं रेगुलर डाल पाऊँ। तो अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ डाउट्स है और कमेंट्स में आप मुझसे डेफिनेटली वो पूछ सकते हो, मैं आपको ट्राई करने का लाइक पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई कर पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।